इस वर्ष सावन माह में जिले के प्रसिद्ध मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर भौवा पार में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है। ये निर्णय शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया है। इस संबंध में मंदिर की देखरेख कर रहे गोसाई परिवार के संजय गिरी ने बताया कि बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह और मंदिर प्रशासन के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष सावन माह में रुद्राभिषेक, भंडारा, मांगलिक कार्य और कथा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोई दुकान भी मंदिर प्रांगण में नहीं लगाया जा रहा है। वहीं बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह द्वारा माइक से अनाउंसमेंट करते हुए पूरे थाना क्षेत्र के लोगों को अपने घरों पर ही पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मंदिर के पुजारी संजय गिरी ने कहा, लोग अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें, मंदिरों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिरों में पूजा पाठ करना व दर्शन करने के लिए आना सख्त मना है। डेली पर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आज सावन का प्रथम सोमवार है। सभी लोगों और लोग अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें, मंदिरों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिरों में पूजा पाठ करना व दर्शन करने के लिए आना सख्त मना है। डेली पर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि आज सावन का प्रथम सोमवार है। सभी लोगों की पूजा अर्चना करें, मंदिरों में ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिरों में पूजा पाठ करना व दर्शन करने के लिए आना सख्त मना है। डेली पर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। संजय गिरी, क्या है? हम मंदिर के पुजारी हैं। यहाँ पर जो भी पुजारी लोग हैं वो लोग पूजा अर्चना किए हैं और श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से मंदिर को बंद कर दिया गया है कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए। और शासन जो कह रहा है कि शासन प्रशासन की श्रद्धालुओं को के लिए एकदम बंद कर दिया जाए, तो इसके लिए शासन के मनसा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। श्रद्धालु क्या आ रहे हैं जिला के लिए? श्रद्धालु आ रहे हैं लेकिन गेट को खोला नहीं जा रहा है, बाहर से ही वापस आ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। फोर्स लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से फोर्स लगाई गई है, 2 दर्जन पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और मंदिर पर जो भी गोस्वामी परिवार के लोग हैं 1 दर्जन लोग लगे हुए हैं।